फुले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला दिल्ली की पंचायत में हमारा नेता जाना चाहिए। किसके साथ गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ेंगे? अगली बार बताया जाएगा जब टाइम आएगा तब। ओम प्रकाश जी, जब से वाई प्लस सुरक्षा मिली है, योगी आदित्यनाथ के प्रति जुबान नरम हो गई। नहीं महाराज, सुरक्षा बता रहा है। अरे आप बताओ ना, सुरक्षा तो आपने देखा कि मऊ में कितनी बड़ी सुरक्षा थी। मऊ के कार्यक्रम जब जब हमने परमिशन लिया लखनऊ से, तब तब सुरक्षा, जब से लाल लश्करवा मिला तब से योगी जी के प्रति जुबान नरम हो गई। देखिए मैं बिहार जाता हूँ, चूंकि देखिए हम अपने विधायक दल के नेता हैं। एक संविधान में व्यवस्था है कि विधायक दल का नेता अगर प्रोटोकॉल भेजता है तो उसको बॉर्डर टू बॉर्डर सिक्योरिटी और कार्यक्रम स्थल पे वो जहाँ भी रहे उसकी सिक्योरिटी करना सरकार की जिम्मेदारी है, ये संविधान में व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बी टीम बना करके भाजपा आपको बिहार में भेज रही है नीतीश को जो है निष्का नाबूद करने के लिए? जा रहे हैं बिहार में, हम कम से कम 18 साल से हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। अब इस समय अब उसको लोग दूसरे न चश्मे से देखें तो हम क्या करें? ललकार वही रहेगी मऊ वाली, एकदम ललकार तो हमारा वही है कि हक हिस्सा अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या इस बार पलटू चाचा को कहेंगे वहाँ पे जातिवार जनगणना करा दें? उन्होंने आपके सामने प्रेसवार्ता करके कहा कि मैं जातिवार जनगणना कराऊंगा, तो करा दें। अब तो कोई विरोध करने वाला नहीं है, भाजपा विरोध नहीं कर रही है, आपके साथ है नहीं है विरोध करे, आपके पास तो अब आप पावर हो गया, आप कराओ, एक समान शिक्षा लागू करो। और आपके एक विधायक हैं अब्बास अंसारी, भाग रहे हैं कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ है, पुलिस खोज रही है? अरे पुलिस ना खोज रही है, जिन ढूंढा तीन पाइया, मऊ का जनता ढूंढा मिलते ना, पुलिस खोज पाऊंगे? नहीं नहीं, देखिए पता चला कि आप अपने पास उनको छिपा के रखे हैं। बस हमारे संगमा गड़िया में देख लीजिए। अरे भाई वो दगे हुए कारतूस की क्या बात कर रहे हैं, ऊपर से निर्देश है, शासन से निर्देश है कि अगर जिसके पास जमीन नहीं है उसको तब तक मत उजाड़ो जब तक कि उसको पट्टा दे करके व्यवस्था न बना दो। लेकिन अधिकारी बेलगाम जा रहे हैं तो पता लगा झटक दे रहे हैं बना बनाया मकान। ये कौन सी बात मैं गलत कह रहा हूँ? ये तो धरातल पर आप भी देख रहे हैं, आप भी जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो भूमाफियाओं के चक्कर में कुछ अधिकारी अपने चक्कर में और गाँव की जो गोलबंदी के चक्कर में गरीब पिस रहा है। अखिलेश यादव जी के साथ अभी आप हैं? नहीं भैया, तो होगा तलाक हो गया। अब क्या अगला है आपका लक्ष्य, किसके साथ गठबंधन? 25 करोड़ आबादी में जो जातियां हैं अब उन्हीं जातियों से गठबंधन में लगे हैं कि जब यही सरकार बनाते हैं तो नेता लोग तो धोखा दे रहे हैं, तो चलो नेता के जो छोड़ के पहले इधर चला जाए, इनको ठीक किया जाए, फिर आगे टाइम आएगा तो देखा जाए। माना जाए कि योगी जी सरकार बनाए हुए हैं, उनकी बढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या अब अच्छे लगने लगे हैं क्या? हमको तो अखिलेश भी अच्छे लगते हैं। लगते थे? नहीं है, क्या है सर? नहीं काम तो लगते हैं अच्छे जी। मैं काम मायावती का काम भी अच्छे। 24 में अगला लक्ष्य क्या रहेगा आपका? देखिए हमारा हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि महाराजा सुहेलदेव जी, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला दिल्ली की पंचायत में हमारा नेता जाना चाहिए। किसके साथ गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ेंगे? अगली बार बताया जाएगा जब टाइम आएगा तब। ओम प्रकाश जी, जब से वाई प्लस सुरक्षा मिली है, योगी आदित्यनाथ के प्रति जुबान नरम हो गई। नहीं महाराज, सुरक्षा बता रहा है। अरे आप बताओ ना, सुरक्षा तो आपने देखा कि मऊ में कितनी बड़ी सुरक्षा थी। मऊ के कार्यक्रम जब जब हमने परमिशन लिया लखनऊ से, तब तब सुरक्षा, जब से लाल लश्करवा मिला तब से योगी जी के प्रति जुबान नरम हो गई। देखिए मैं बिहार जाता हूँ, चूंकि देखिए हम अपने विधायक दल के नेता हैं। एक संविधान में व्यवस्था है कि विधायक दल का नेता अगर प्रोटोकॉल भेजता है तो उसको बॉर्डर टू बॉर्डर सिक्योरिटी और कार्यक्रम स्थल पे वो जहाँ भी रहे उसकी सिक्योरिटी करना सरकार की जिम्मेदारी है, ये संविधान में व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बी टीम बना करके भाजपा आपको बिहार में भेज रही है नीतीश को जो है निष्का नाबूद करने के लिए? जा रहे हैं बिहार में, हम कम से कम 18 साल से हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। अब इस समय अब उसको लोग दूसरे न चश्मे से देखें तो हम क्या करें? ललकार वही रहेगी मऊ वाली, एकदम ललकार तो हमारा वही है कि हक हिस्सा अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या इस बार पलटू चाचा को कहेंगे वहाँ पे? जातिवार जनगणना करा दें। उन्होंने आपके सामने प्रेसवार्ता करके कहा कि मैं जातिवार जनगणना कराऊंगा, तो करा दें। अब तो कोई विरोध करने वाला नहीं है, भाजपा विरोध नहीं कर रही है, आपके साथ है नहीं है विरोध करे, आपके पास तो अब आप पावर हो गया, आप कराओ एक